वेलकम बैक दिस इज बिल एंड दिस लैक्सर इज बेस्ड ऑन फ्लैशला तो फ्लैशला एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है ये फ्लैशला प्रोक्रियोटिक सेल्स में भी होता है और यही फ्लैशला योक्रियोटिक सेल्स में भी होता है अब प्रोक्रियोटिक सेल्स के केस में वी हैव एक्सैम्पल ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया विच आर कंटेनिंग द फ्लैशला बट इवन इन केस ऑफ योक्रियोटिक सेल्स वी हैव फ्लैशला इन केस ऑफ स्पर्म तो ये जो फ्लैशला है ये एज एन ऑर्गनली कंसीडर होते हैं यानी कि ये वो ऑर्गनली है जो बनती तो इनसाइड द सेल है लेकिन सेल के अंदर बनने के बाद वो प्रेजेंट होती है एज एन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल तो जैसे हम इस बैक्टीरिया को देख सकते हैं कि ये जो क्यूर सा बैक्टीरिया है इस क्यूर से बैक्टीरिया के पास एज एन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फ्लैचला मौजूद होते हैं वही फ्लैचला इस बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम द एडवर्स इन्वामेंट टू सम समेबल इन्वायरमेंट अब अगर हम बात करते हैं कि फ्लैचला का स्ट्रक्चर कैसा है तो एज यू नो वेरी वेल दैट वी हैव क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड वी हैव क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया तो जो क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया और क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनमें फ्लैशला का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है अगर हम बात करते हैं क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तो जैसे आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के पास साइटोप्लाजमिक फ्रीजन होते हैं जितने भी बैक्टीरिया सब के पास साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है और उस साइटोप्लाज्मिक रीजन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है तो ये बेसिकली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है यानी कि ये वो मेम्ब्रेन है जिसने बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्मिक रीजन को कवर किया हुआ है और ये लिपिड बाईलेयर है जिसके अंदर प्रोटीन्स इम्पेंडिड है तो ये बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गई जिसने बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्मिक रीजन को कवर किया हुआ है अब इस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल इन केस ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो क्लाइकन अब अगर हम बात करते हैं फ्लैशला की तो फ्लैशला के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं एक को हम फिलामेंट कहते हैं दूसरे को हम हुक कहते हैं और तीसरे को हम बेसल बॉडी कहते हैं वो बेसल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रॉड सेल के अंदर इम्बेंड होती है जैसे आप इस रॉड को देख सकते हैं कि ये रॉड बेसिकली सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेंड है अब इस रॉड के पास डिफरेंट रिंग्स होती हैं जिनको हम हैं। है, में है। के के है है एस रिंग और एम रिंग्स कहते हैं ये जो एस रिंग और एम रिंग है ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में इम्बेंडेड है और क्रेम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में जस्ट वी हैव टू रिंग्स लाइक वी हैव एस रिंग एंड वी हैव एम रिंग और ये जो एस रिंग और एम रिंग्स हैं ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में इम्बेंडेड है अब ये जो रॉड है ये रॉड बेसिकली हुक से अटैच है और जो हुक है वो डिफरेंट प्रोटीन से मिलके बनी होती है ये हुक इस रॉड को अटैच करवाती है फिलामेंट के साथ और फिलामेंट वो पार्ट है जो हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में नजर आता है ये फ़िलामेंट बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन से मिलके बनता है विच इज़ नॉन एज़ फ्लैचलन ये जो फ़्लैचलन है ये एक ग्लोबलर प्रोटीन है जो कि इन दी फॉर्म ऑफ चें मौजूद होती है और उस ग्लोबलर प्रोटीन ने इस सारे फिलामेंट को कवर किया हुआ है तो ये फ़िलामेंट है जो कि हुक से अटैच है और ये हुक इस फिलामेंट को इस रॉड के साथ अटैच करती है तो ये स्ट्रक्चर था फ्लैजा का इन केस ऑफ क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया अब अगर हम बात करते हैं क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया की तो क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया में इवन वी हैव आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल वॉल है सेल वॉल से ऊपर भी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है इन केस ऑफ क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इस आउटर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की तरह का ही होता है लेकिन एक डिफरेंस होता है साइटोप्लास्मिक मेम्ब्रेन में वी हैव फॉस्फोलिपिड, वी हैव प्रोटीन्स एंड वी हैव कार्बोहाइड्रेट लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन है इस आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के अलावा भी लिपोपोलीसेक्राइड की लेयर मौजूद होती है तो ये डिफरेंस है, है आउटर मैमब्रेन में और साइटोप्लाज्मिक पैम्प्रेन में कि आउटर मैमब्रेन में लिपोपोलीसेक्राइड की लेयर भी होती है जबकि साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक्प्रेन में लिपोपोलीसेक्राइड की लेयर नहीं होती है. अब ये जो आउटर मैमब्रेन है और साइटोप्लाज्मिक मैम्ब्रेन है यहाँ आप कह सकते हैं ये जो आउटर मैमब्रेन है और जो इनर मैमब्रेन है इसके दरियान ये जो स्पेस है ये वाली स्पेस इट इज नोन एज वॉट पेरी स्पेस और ये पेरी स्पेस स्पेसिफिकली ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया में होती है क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इसलिए नहीं होती क्योंकि क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन ही नहीं होती जब आउटर मेम्ब्रेन ही नहीं होती तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट पेरी प्लाज्मिक स्पेस इन केस ऑफ क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन और पेरी प्लाज्मिक स्पेस मौजूद होती हैं अब अगर हम बात करते हैं फ्लैशला की तो इन केस ऑफ क्रैम के तो नेगेटिव बैक्टीरिया इवन फ्लैशला के पास फिलामेंट होते हैं वो फिलामेंट हुक से अटैच होते हैं वो हुक इस फिलामेंट को रॉड से अटैच करती है लेकिन क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में हमारे पास दो रिंग्स नहीं होती हमारे पास चार रिंग्स होती हैं उनमें से दो रिंग्स तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में इंबेंट होती हैं एज एस रिंग एंड एम रिंग जैसे क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी था लेकिन जो एक्स्ट्रा रिंग्स हैं उनमें से एक रिंग आउटर मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं और आउटर मेम्ब्रेन में जो रिंग मौजूद होती है इट इज़ नोन एज एल रिंग और ये एल रिंग बेसिकली आउटर मेम्ब्रेन के लिपोपोलीसक्राइड लेयर में मौजूद है और जो दूसरी रिंग है वो बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन में मौजूद होती है एंड इट इज़ नोन एज वॉट पी रिंग तो ये बेसिकली क्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में हमारे पास चार रिंग्स हैं लेकिन क्रेम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में हमारे पास दो रिंग्स हैं अब ये जो स्ट्रक्चर है जो इंटरनल टू द सेल है जो सेल के अंदर इम्बेंड है जिसमें वी हैव फ्रॉड We have L ring, we have वी हैव पी रिंग वी हैव एसरिंग एंड वी हैव एमरिंग इस सारे स्ट्रक्चर को इनकम्बाइंड हम नाम देते हैं बेसल बॉडी का तो ये बेसिकली बेसल बॉडी है और ये स्ट्रक्चर है फ्लैशला का इन केस ऑफ क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एज इन केस ऑफ क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया तो इन शॉर्ट फ्लैशला के पास तीन इंपॉर्टेंट कम्पोनेट्स होते हैं उनमें से एक फिलाेंट है दूसरी हुक है और तीसरा इंपॉर्टेंट कम्पोनेट बेसल बॉडी है अब अगर हम बात करते हैं कि ये फ्लैचला किस तरह बैक्टीरिया को मूव करवाते हैं तो इन फ्लैचला के पास मोटर्स होती हैं और उन मोटर्स के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनमें से एक रोटर है और दूसरा स्टेटर है और ये जो स्टेटर है ये दोनों साइड पे मौजूद होते हैं और ये जो स्टेटर्स हैं ये दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन से मिल बने होते हैं जिनको हम मोट ए प्रोटीन और मोट बी प्रोटीन कहते हैं अब ये स्टेटर्स बेसिकली स्टेशनरी होते हैं और ये इन दी फॉर्म ऑफ चैनल्स मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए से प्रोटोन सेल के अंदर एंटर होते हैं जिसकी वजह से प्रोटोन मोटिव फ़ोर्स क्रिएट होती है तो जब प्रोटोन मोटिव फ़ोर्स क्रिएट होती है तो अनर्जी रिलीज़ होती है तो जब अनर्जी रिलीज़ होती है उस अनर्जी को यूटिलाइज़ करके ये रोटर्स स्पिन करते हैं तो जब ये रोटर्स स्पिन करते हैं उसकी वजह से ये जो रॉड है ये भी स्पिन करता है और इस रॉड के साथ जो रिंग्स एसोसिएट हैं वो भी स्पिन करती हैं तो जब रॉड और रिंग्स स्पिन करती हैं उसकी वजह से ये जो बाहर फिलामेंट है ये भी स्पिन करता है तो जब ये फिलामेंट स्पिन करता है बैक्टीरिया मूव करते हैं अब बिल फर्श ये जो रोटर है ये एंटी क्लाक मूव करें तो ये जो रॉड्स और रिंग्स हैं ये भी एंटी क्लाक मूव करेंगी जिसकी वजह से ये फिलामेंट भी एंटी क्लाक मूव करेगा और बैक्टीरिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और इसको हम रन कहते हैं कि बैक्टीरिया रनिंग करें अब अगर बैक्टीरिया ने मीन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लें तो बैक्टीरिया स्टॉप करता है स्टॉप करने के बाद जहाँ पहले बैक्टीरिया इस रोटर को एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहा था अब बैक्टीरिया इस रोटर को क्लॉक वाइज़ मूव करता है क्लॉक वाइज जब मूव करेगा तो बैक्टीरिया अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा और इसको हम टम्बल कहते हैं कि बैक्टीरिया टम्बलिंग कर रहा है तो इस तरह विद दी हेल्प ऑफ फ्लैचला बैक्टीरिया मूवमेंट शो करते हैं अब इवन हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें वी हैव स्पाइरो इन स्पाइरो के पास फ्लैचला होता है लेकिन वो फ्लैचला एक्सटर्नल फ्लैचला नहीं होता वो इंटरनल फ्लैचला होता है वो एंडो फ्लैचला होता है वो पेरी प्लाज्मिक होता है या उसे हम एक्सियल फ्लैचला कहते हैं वो एंडो फ्लैचला इसलिए होता है क्योंकि उसने पेरी स्पेस में इस सारे स्पायरो को इंटरनली कवर किया होता है और वो जो एंडो फ्लैचला होता है वो भी इन स्पायरोट्स को मूवमेंट में हेल्प करता है अब अगर हम बात करते हैं कि जो फ्लैचला होते हैं वो बैक्टीरिया को मूव तो करवाते हैं लेकिन ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पर बैक्टीरिया मूव करते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक बैक्टीरिया और इस बैक्टीरिया के पास फ्लैचला होता है और उस फ्लैचला को यूज़ करके बैक्टीरिया मूव करता है लेकिन कब मूव करता है जब इस बैक्टीरिया को स्पेसिफिक टैक्सेस मिलते हैं यानी कि जब इस बैक्टीरिया को स्पेसिफिक सिग्नल्स मिलते हैं अब वो सिग्नल्स केमिकल के भी हो सकते हैं और वही सिग्नल्स लाइट के भी हो सकते हैं अगर तो बैक्टीरिया लाइट के रिस्पॉन्स में टूवर्ड्स द लाइट या अवे फ्राम द लाइट मूव करता है तो इट इज़ नोन एज वॉट फोटो टैक्सीस और अगर बैक्टीरिया केमिकल के रिस्पॉन्स में टूवर्ड्स तो द केमिकल या अवे फ्रॉम द केमिकल मूव करता है तो इट इज़ नोन एज वॉट कीमोटैक्सिस ना इवन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैचला वी कैन क्लासीफाई द बैक्टीरिया जिसमें वी हैव एयर ट्राइकस बैक्टीरिया ये जो एयर ट्राइकस बैक्टीरिया हैं ये वो बैक्टीरिया हैं जिनके पास कोई फ्लैचला नहीं होता और अगर तो बैक्टीरिया के पास एक फ्लैचला हो तो उसे हम मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं सिमिलरली कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके दोनों एंड्स पे फ्लैचला मौजूद होते हैं और उनको हम एम्फी बैक्टीरिया कहते हैं और अगर बैक्टीरिया के पास टफ्ड फ्लैजला मौजूद हो अब ये टफ्ड फ्लैजला एक एंड पे भी हो सकता है और ये टफ्ड फ्लैजला दोनों एंड्स पे भी हो सकते हैं तो उस बैक्टीरिया को हम लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं सिमिलरली वो बैक्टीरिया जिनकी पूरी सर्फिस में फ्लैजला मौजूद होते हैं उनको हम पेरीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं अब अगर हम बात करते हैं पिल्लाई और फिम्परी की तो पिल्लाई और फिम्परी बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं पिलाई फ्लैचला से छोटी होती है सिमिलरली ये जो फिम्बरी है ये फिम्बरी पिलाई से भी छोटी होती है तो ओवरऑल इनका साइज़ फ्लैचला से काफ़ी कम होता है अब एक बैक्टीरिया में अप्रोक्सीमेटली एक से दो पिलाई होती हैं और एक बैक्टीरिया में अप टू तो हंड्रेड फिम्बरी मौजूद हो सकती है अब ये जैसे बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया किसी भी सर्फिस के साथ जाके अटैच हो सकता है जस्ट विद दी हेल्प ऑफ पिलाई और इवन विद दी हेल्प ऑफ फिम्बरी और इवन विद दी हेल्प ऑफ लाइको अब ये जो पिलाई और फिमरी है इनका मेन फंक्शन तो ये है कि इन्होंने अटैचमेंट में हेल्प करनी है लेकिन इसके साथ साथ जो पिलाई है उसका एक फंक्शन ये भी है कि पिलाई सम टाइम बैक्टीरिया को स्लाइट मूवमेंट प्रोवाइड करती है या ट्विचिंग मूवमेंट प्रोवाइड करती है या फिर ग्लाइडिंग मूवमेंट प्रोवाइड करती है अब पिलाई को हम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में कंसीडर तो नहीं करते क्योंकि ये एज इट इज़ लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती ये जस्ट बैक्टीरिया को स्लाइट मूवमेंट प्रोवाइड करती है कैसे करती है जैसे आप देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया विद हेल्प ऑफ पिल्लाई इस सर्फिस के साथ जाके अटैच हो गए तो जब भी बैक्टीरिया किसी ना किसी सर्फिस के साथ जाके अटैच होगा तो उसके बाद बैक्टीरिया अपने आप को रिपेल बैक करेगा तो जब बैक्टीरिया अपने आप को रिपेल बैक करेगा मीन वाइल वो स्लाइट मूवमेंट शो करेगा और वो स्लाइट मूवमेंट पिल्लाई की वजह से शो हो रही है क्योंकि पिल्लाई की वजह से बैक्टीरिया जाके किसी ना किसी सर्फिस के साथ जाके अटैच हुए अटैच होने के बाद उसने अपने आप को रिपेल किया है बैकवर्ड डरैक्शन में अब यह पिल्लाई इस ट्विचिंग मूवमेंट के, के अलावा या इस लाइट मूवमेंट के अलावा बैक्टीरिया को ग्लाइडिंग मूवमेंट भी प्रोवाइड कर सकती है और वही ग्लाइडिंग मूवमेंट बैक्टीरिया को ग्लाइको कैलिक्स भी प्रोवाइड करता है लेकिन रिमेंबर वन थिंग हम इस पिल्लाई को या फिमरी को कभी भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जो बेसिक लोकोमोशन का फंक्शन है वो फ्लैचराक है अब इसके अलावा पिल्लाई का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और वो है कॉन्जुगेशन कॉन्जोगेसन वो प्रोसेस है जिसमें दो बैक्टीरिया आपस में करीब आते हैं इंट्रैक्ट करते हैं इंट्रैक्ट करने के बाद अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये एफ़ नेगेटिव बैक्टीरिया एफ़ पॉजिटिव बैक्टीरिया को आप मेल कंसीडर कर लें जिसने अपना जेनेटिक मटेरियल एफ़ नेगेटिव बैक्टीरिया को देना होता है और एफ़ नेगेटिव बैक्टीरिया को आप फीमेल कंसीडर कर लें जिसने इस एफ़ पॉजिटिव बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल लेना होता है अब होता यह है कि जब भी ये एफ़ नेगेटिव बैक्टीरिया इस एफ़ पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखती है तो देखने के बाद एफ नेगेटिव बैक्टीरिया एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास जाती है और उसे कहती है कि यार कैन वी इंटरेक्ट विद ईच अदर तो ये एफ़ पॉजिटिव बैक्टीरिया कहता है कि ओके यू कैन इंटरेक्ट विद मी तो अब होता यह है कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक एफ़ पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसके पास एफ़ नेगेटिव बैक्टीरिया आती है दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट कैसे करते हैं विद दी हेल्प ऑफ पिल्लाई और उस पिल्लाई को हम सेक्स पिल्ल कहते हैं तो सेक्स पिल्लस के ज़रिए से एफ़ पॉजिटिव और एफ़ नेगेटिव बैक्टीरिया आपस में इंट्रैक्ट करते हैं आपस में अटैच हो जाते हैं मीन बैल इसी अटैचमेंट में ये एफ़ पॉजिटिव बैक्टीरिया अपना सब कुछ इस एफ़ नेगेटिव बैक्टीरिया को दे देता है यानी कि ये एफ़ पॉजिटिव बैक्टीरिया अपना मोस्टली जेनेटिक मटीरियल और अपना डी एन ए इस एफ नेगेटिव बैक्टीरिया को दे देता है अब जब ये एफ़ नेगेटिव बैक्टीरिया इस एफ़ पॉजिटिव बैक्टीरिया से इसका डी एन ए ले लेती है तो उसके बाद एफ़ नेगेटिव बैक्टीरिया एफ़ पॉजिटिव बैक्टीरिया को कहती है कि मुझे जो चाहिए था वो तो मैंने ले लिया अब बात यह है कि यू आर टू गुड यू आर टू गुड डेट इवन यू डिज़र्व बेटर अब एफ़ पॉजिटिव बैक्टीरिया कहता है कि यार बात सुनो आई डोंट नीड समन बेटर आई नीड यू बिकॉज़ यू हैव माई डी लेकिन नहीं एफ़ नेगेटिव बैक्टीरिया को जो चाहिए था वो तो उसने ले लिया तो अब एफ़ नेगेटिव बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन के बाद एफ़ पॉजिटिव बैक्टीरिया से सेपरेट हो जाती है तो इस तरह ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस चलते हैं और ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस भी लाई की वजह से होता है अब ये जो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया है ये एफ नेगेटिव बैक्टीरिया इस एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया से जेनेटिक मटीरियल लेने के बाद एफ पॉजिटिव हो जाती है अब इसके साथ टेट फॉर टैट होगा क्योंकि ये एफ पॉजिटिव हो गई है तो अब कोई ना कोई एफ नेगेटिव बैक्टीरिया आएगा इसके साथ अटैच करेगा अटैच करने के बाद इसका जेनेटिक मटीरियल लेके चला जाएगा तो इस तरह कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता रहता है विद द हेल्प ऑफ पिल्लाई सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्जुगेशन अब इस लेक्चर में हमने क्या देखा है कि फ्लैशला क्या है फ्लैश का स्ट्रक्चर कैसे है फ्लैश का क्या फंक्शन है फ्लैशला की बेस पे हम किस तरह बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं क्लासिफाई कर सकते हैं पिल्लाई और फिम्परी क्या है पिल्लाई और फिम्परी का क्या फंक्शन है और किस तरह पिल्लाई बैक्टीरिया की कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है सो डेट्स ऑल